नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों, जो यहाँ पर ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल है, आज से सभी लोगों के लिए लाइव हो जाएगी। कल यहाँ पर प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव हो गई थी, तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन सी एक्सक्लूसिव डील्स हैं जो कि यहाँ पर अमेजोन प्रोवाइड करा रहा है स्मार्टफोन्स के ऊपर। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो आप इवन इसके अलावा भी, स्मार्टफोन्स के अलावा भी, अगर आप अप्लायंसेस पे, होम अप्लायंसेस पे और भी जितनी भी कैटेगरीज हैं, सभी की पीडीएफ ए फोन प्लानेट ग्रुप पर उपलब्ध है, जहाँ पर आपको सबसे पहले पता चल जाता है अगर कोई डील्स ऑफर्स वगैरह आते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ए फोन प्लानेट ग्रुप इंडियन टेक गुरुकुल का ही ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी चलते हैं यहाँ पर कि क्या क्या डील्स देखने को मिल रही हैं। ये एक्सक्लूसिव पीडीएफ है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहली डील की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिली रही है वन प्लस नोट की तरफ से। जो वन प्लस की नोट सीरीज आती है, बेसिकली ये क्या है कि वन प्लस ने यहाँ पर अपने बजट कैटेगरी वाले जो फोन्स हैं उनमें बेसिकली सीरीज स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर काफी अच्छा फोन वन प्लस नोट सी 4 लाइट यहाँ पर देखने को मिल रहा है मात्र 16999 में। एक चीज और बता दूं, जितने भी मैं फोन्स अभी आपको दिखाने वाला हूँ, दे सारे जो फोन्स हैं वो बेसिकली कार्ड डिस्काउंट्स और कूपन ऑफर्स वगैरह को यहाँ पर मिलाकर बताया गया, एक्सचेंज नहीं है लेकिन कूपन वगैरह को। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह कर लेना, तभी आपको ये वाले डिस्काउंट्स जो इस पे एक्चुअल प्राइस लिखी हुई है वो आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आईफोन 13 के ऊपर काफी अच्छा ऑफर देखने को मिल रहा है। वैसे तो आईफोन 14 प्लस लगभग 55-56 का मिल जाता है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप आईफोन 13 अगर ट्राई करना चाहते हो तब आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर सैमसंग का लेना चाहते हो तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, इसके बारे में आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा, काफी बढ़िया सैमसंग का फोन देखने को मिलता है जिन लोगों को सैमसंग का आईफोन चाहिए। क्योंकि यहां पर आपको एक्सक्लूसिव क्या है कि पीछे यहां पर आपको टेलीफोटो लेंस और भी काफी सारी फोटोग्राफी रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाती है। तो काफी अच्छा फोन है, काफी लोग इसको परचेज भी करते हैं सेल में। तो अभी काफी अच्छी प्राइस पर ये मिल रहा है 24999। इसके अलावा किसी को बजट के अंदर फोन चाहिए तो यहां पर आईक्यू Z9 लाइट 5G काफी अच्छा फोन है। इनके अंदर आईक्यू के फोन के अंदर क्या खास बात होती है कि परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जल्दी से ये लैग वगैरह नहीं करते, तो ये फोन है। इसके अलावा अगर बिल्कुल बजट में चाहिए, बिल्कुल बेसिक फोन चाहिए, तो यहां पर रियलमी नार्जो N61 मात्र 7000 रुपीज का देखने को मिल रहा है। बाकी और देख लेते हैं। हाल ही में ही अभी लॉन्च हुआ, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, वन प्लस का नोट 4 5G यहाँ पर ऑफर्स के साथ 27999 का मिल रहा है। तो आप चाहें तो ये वन प्लस का फोन परचेज कर सकते हो। सारे के सारे इसका मैं डायरेक्ट सेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आपको डायरेक्ट ऑफर वाले पेज पर आप लैंड करेंगे और आपको इसी तरीके से वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा M35 5G की प्राइस इन्होंने अभी शो नहीं की हुई है, लेकिन ऑब्वियसली बात है 19999 के अराउंड ही होगी। इसके अलावा बजट फोन्स में रेडमी 13C दिखा रखा है ऑफर्स में, जो कि 9999 में आपको देखने को मिल रहा है। तो काफी लोग रेडमी का फोन वगैरह लेना पसंद करते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं। ये जो HMD लिखा हुआ है, ये बेसिकली नोकिया की ब्रांड का फोन है, मतलब नोकिया बेसिकली अलग हो चुका है, लेकिन काइंड ऑफ आप नोकिया जैसा समझो इसको, लेकिन मेरे हिसाब से मत लीजिएगा, अभी बचिएगा इन सब से, क्योंकि जो न्यू ब्रांड आती है इनके सर्विस सेंटर वगैरह फिर पार्ट्स नहीं मिलते तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। बाकी यहाँ पर आपको ओनर 200 देखने को मिल रहा है 30000 रुपीज़ का, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, ये आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर इसकी ओरिजिनल प्राइस लगभग 35 के अराउंड रहती है नॉर्मल डेज पर। इसके अलावा लावा ब्लेज एक्स यहाँ पर जो 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला फ़ोन है, आपको ऑफर्स के साथ यहाँ पर 13000 रुपीज़ का अप्रोक्स देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों को इंडियन ब्रांड का फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली लावा एक अच्छी चॉइस है, और लावा कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा काम कर भी रहा है। बाकी इसके अलावा स्मार्टफोन्स में आप देख सकते हो Redmi 13 5G है, अगर किसी को 5G वाला फ़ोन चाहिए, Redmi का चाहिए, तो इसके ऊपर ऑफर्स हैं 12999 का आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा OnePlus 12R जो कि OnePlus 11R का सक्सेसर है, ये भी काफ़ी अच्छे ओवरऑल फ़ोन्स रहते हैं। मेरे पास खुद OnePlus का फ़ोन है, OnePlus 11R काफ़ी अच्छा चलता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन होगा डेफिनेटली, ये आपको 39999 में देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑफर्स अगर किसी फ़ोन पे मिल रहे हैं तो Realme GT 5G, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 7S जेन वाले सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले है, ज़बरदस्त कैमराज हैं। ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया एक्सक्लूसिव डील्स पर आपको 25999 का देखने को मिल रहा है मात्र। सो ये आप जरूर लीजिएगा, अगर किसी को Realme के फ़ोन पसंद आते हैं तो ये मैं कहूँगा सबसे बेस्ट रिकमेंडेड फ़ोन है Realme GT 5G, GT 65G, ये काफ़ी
अच्छा फोन देखने को मिलता है। इसके अलावा iQOO Z9 5G वाला जो फोन है ये आपको 16999 का देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे बैटरी के लिए फोन चाहिए तो 21999 वन प्लस नोट C4 और iQOO का न्यू 9 प्रो 5G गेमिंग के लिए भी और बैटरी के हिसाब से भी समस्त चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये 31999 का देखने को मिलता है। बाकी नार्जो सीरीज के फोन्स काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस भी मिल जाती है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू कई बार मिल जाती है, तो 16499। देखो आईफोन 15 की बात मैं कर रहा था शायद पहले, आईफोन 15 आपको लॉन्च के टाइम पर ये जैसे लगभग 79,000 रुपीज़ में इंडिया में देखने को मिलता था, अब ये इंक्लूडिंग बैंक ऑफर्स के साथ लेटेस्ट वाला आईफोन 15 आपको 69,900 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा पोको का फ़ोन है, पोको X6 Neo, ये देख लो यहाँ पर 13499 में देखने को मिल रहा है इंक्लूडिंग बैंक ऑफर्स, तो गेमिंग गेमर्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है। पोको M6 Pro 5G यहाँ पर 8999 का देखने को मिल रहा है, 4th Gen 2 प्रोसेसर है, तो अगेन गेमिंग के लिए जिनको सस्ते में चाहिए कि बस एक फ़ोन चाहिए तो वो ले सकते हैं, पोको का X6 5G यहाँ पर 17499 का है। दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूँ, सभी यहाँ पर आपको ग्रुप्स में ये सारे फ़ोन्स के PDFs और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और इंडियन टेक गुरुकुल को सपोर्ट करें iPhone Planet ग्रुप ज्वाइन करके, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। बाकी यहाँ पर आपको पोको के बेसिक्स जो फ़ोन आते हैं वो यहाँ पर कुछ हैं। बाकी इसके अलावा ओनर जिसने काफ़ी लास्ट टाइम में प्रचार किया है, देखो वाबी 2 का भी यहाँ पर बेसिकली इन लोगों ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, सो यहाँ पर आपको इनका फोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो फ़ोन है ओनर X9B 5G, ये आपको 21999 से इसकी जो इफेक्टिव प्राइस है वो 16999 दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छी प्राइस पर है ये भी, अगर किसी को ओनर का मजबूत फ़ोन चाहिए तो आप देख सकते हो। बाकी ओनर के कुछ और फ़ोन्स भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 13999, जो कि आपको इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उससे काफ़ी कम है, जो कि आपको नॉर्मल डेज पर देखने को मिलती है। बाकी लावा ब्लेज और वही सब अब वापस रिपीट होकर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो मैंने आपको दिखा दिए मोस्ट ऑफ यहाँ पर, बाकी इसमें से आप देख लेना अगर आपको कोई और डील अच्छी दिखाई दे तो। बाकी यहाँ पर नीचे मोबाइल एसेसरीज़ हैं जिनके ऊपर अच्छा डिस्काउंट्स देखने को मिल रहा है, सो यहाँ पर वन प्लस के नोड बड्स 2R हैं जो कि 1549 रुपीज़ में देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड अगर आपको बेसिकली बड्स चाहिए, तो वन प्लस के बड्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे रहते हैं, रियलमी के भी खरीद सकते हो, अच्छे निकलते हैं इनमें, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, थोड़ा सा प्रीमियम चाहिए तो सैमसंग वगैरह के ऊपर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स हैं। पावर बैंक्स वगैरह कुछ लोग यूज़ करते हैं तो देख लेना, मुझे तो लगता नहीं है आजकल पावर बैंक्स की नीड पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पर लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो कई बार नीड पड़ती है फिर ट्रैवलिंग करते हैं तो। बाकी आप देख लो ये जो आपको केबल है वोल्ट का मात्र 99 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है, अगर आपको किसी को प्रीमियम लेदर केबल चाहिए वोल्ट का टाइप सी वाला तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कार्टोस 65W सुपर चार्जर, तो सुपर बुक चार्जर है, क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग भी देखने को मिलती है, तो काफ़ी सही है, आपको थ्री टाइप की चार्जिंग एक ही उसके अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर लैंडलाइन फ़ोन्स वगैरह अभी भी करते हैं कुछ लोग यूज़, सो वो हैं। बाकी यहाँ पर कुछ स्टैंड्स हैं जैसे बाइक स्टैंड हुआ या फिर कई बार इसको लोग अलग अलग टेबल्स पर भी होल्ड करते हैं, सो ये हैं। इसके अलावा और भी एसेसरीज वगैरह के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।